17.5 हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना, सीना लिख ले भाई। 35 नहीं, 34। 34 की 35 सर, थोड़ा फैलाइए फैलाइए फैलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। जिम विम ज्वाइन कर लिया है 24/7। बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। शोल्डर कर ले भाई। हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए मैं विवेक सिंह आपका आपके परिवार बिहार 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? हेलो नीतीश गौतम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है। दोस्तों आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ सारे। हेलो हेलो एंड वेलकम, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आ जाओ फटाफट एक मिनट। चलो आ जाओ। तो वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। और आज जो बात करते हैं सर, क्या देखो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हो सर क्या बिहार सीजीएल के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बिहार SSC सीजीएल के अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरा भी एक सपना है सर क्या, कि मैं 2000 से अधिक सिलेक्शन दूं आपके बिहार अड्डा परिवार से इस साल। और मैं चाहता हूं कि हर एक घर, जो बच्चा बिहार अड्डा से पढ़ रहा है, तो हर एक बच्चा सर क्या, हर घर एक सरकारी अफसर होना चाहिए। और याद रखेंगे इसके लिए आप मुझे सुबह 8 बजे और रात के 10 बजे सर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जॉब है तभी तो रोब है, याद रखोगे। और आज एक गुड थॉट से क्लास शुरू करते हैं कि बाद में पछतावा करने से अच्छा एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। क्या कह रहा है दोस्त की बाद में पछतावा, ये क्या कह रहा है सर कि बाद में पछतावा करने से अच्छा एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। याद रखो कि बुढ़ापे में ये ना अफसोस ना हो कि दोस्त काश पढ़ लिए होते, काश गुरुजी पढ़ लेने रहती तो आज हमारी सरकारी नौकरी लग गई रही, आज मस्त हम जिंदगी कटित। ये अफसोस कभी नहीं होना चाहिए, बस शिद्दत से लग जाओ, जुड़ जाओगे अपने सर क्या इस बेहतरीन से क्लास में। और आज निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस, बताओ दोस्त किसमें से वह गैस कौन सी है जो कि एक प्रकार की नोबल गैस यानी अक्रिय गैस नहीं है। दैट इज हीलियम, आर्गन, नियान या हाइड्रोजन। जरा मुझे बताओ कि वह गैस कौन सी है। बहुत बढ़िया, खुश रहो नीतीश, खुश रहो, बहुत बढ़िया, जय आर एस, थैंक यू। आज देखो क्या कहता है, क्योंकि इसमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो आप सभी जानते हो कि देखो जो हाइड्रोजन है ना सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन एक प्रकार की नोबल गैस नहीं है। और हाइड्रोजन के बारे में एक बात याद रखोगे कि हाइड्रोजन क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन देखो याद रखोगे कि हाइड्रोजन पहली बात नोबल गैस नहीं है। और यह क्या है सर, तो यह सबसे हल्की गैस है। यह क्या है दोस्त इसके बारे में आप याद रखोगे कि यह क्या है मेरे भाई, तो यह सबसे हल्की गैस होती है, इस बात को आप याद रखोगे। और यह सर कहते हो हाइड्रोजन से आपके सूर्य का निर्माण हुआ है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, इसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे। आंसर विल बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो अक्रिय गैसों के बारे में बात कर रहा है, इनर्ट गैसेस के बारे में बात कर रहा है, आपसे किसके बारे में पूछ रहा है दोस्त, तो आपसे पूछ रहा है इनर्ट गैस। और आप सभी जानते हो कि इनर्ट गैसेस कुल 6 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो याद रखोगे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये 6 प्रकार की अक्रिय गैसें होती हैं, आप सभी जानते हो। याद रखोगे हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन याद रखोगे। सर हीलियम क्या है, ये सबसे हल्की है, ये सबसे हल्की है। नियॉन क्या है, इसे कहते हैं फ्लोरेसेंट, इसे क्या कहते हैं दोस्त इसे फ्लोरेसेंट कहते हैं। आर्गन को क्या कहते हैं सर, तो देखो जो आर्गन है ये सबसे ज्यादा मात्रा में, क्या मेरे दोस्त, मेरे दोस्त याद रखोगे कि सबसे ज्यादा मात्रा में आर्गन होती है। क्रिप्टन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सीक्रेट कहते हैं, इसे सीक्रेट गैस कहते हैं। ज़ेनॉन को क्या कहते हैं, इसे स्ट्रेंजर कहते हैं, स्ट्रेंजर। और जो रेडॉन है यह सबसे भारी अक्रिय गैस है और यह आपके वातावरण में नहीं पाई जाती, तो यह आपके इनर्ट गैसेस है जो कि आपके कुल 6 प्रकार की है, इस बात को आप याद रखोगे। सो द आंसर विल बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, याद रखोगे दोस्त। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, किसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो पानी में घुलनशील नहीं है? नहीं गुड़िया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रंजन कुमार,
नशे वशे में हो क्या दोस्त? नशे वशे में हो क्या? हाँ निशा, नहीं नहीं गुड़िया, लाडली बिटिया, मैं कमेंट नहीं देखा आपका। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है सर। देखो इसमें से कौन सा नहीं सर, कुछ जो देखो जो आपका बेरियम सर, क्या बेरियम कार्बोनेट है, BaCO3 है। ये क्या होगा सर? ये पानी में घुलनशील नहीं होगा। देखो मैं जब आपको सिद्धि 1.0 वालों याद रखोगे, जब मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट बताया था, और सॉल्ट मैंने आपको बताया सर, याद रखोगे सॉल्ट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर देखो वह सॉल्ट जिसके आयन सर क्या कंप्लीटली डिजोल्व ना हो, जिसके आयन कंप्लीटली डिजोल्व ना हो, वो क्या होते हैं सर? वह आपके होते हैं सर क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट। याद रखोगे कि सर यह एक ऐसा सॉल्ट है जिसके आयन्स क्या हैं सर, तो जिसके कंप्लीट आयन दो प्रकार के होंगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, आयन दो प्रकार के होंगे, तो इसके जो आयन होंगे वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में, इसलिए सर यह क्या यह नॉन सॉल्युबल हो जाएगा। याद रखोगे सर क्या ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि सर मेनिनजाइटिस क्या है, व्हाट इज मेनिनजाइटिस? देखो दोस्त व्हाट इज मेनिनजाइटिस, इसमें से मेनिनजाइटिस क्या है जरा मुझे बताओ। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, अच्छा आ जाओ, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है सर, देखो क्या कह रहा है, मेनिनजाइटिस क्या है, व्हाट इज मेनिनजाइटिस? और देखो मेनिनजाइटिस के बारे में बात की जाए सर, देखो यह आपके ब्रेन की एक कवरिंग होती है। क्या होता है दोस्त? तो याद रखोगे यह आपके ब्रेन की एक कवरिंग होती है। जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन आपका ब्रेन तीन लेयर से बना है, तीन परतों से बना है। किससे बना है दोस्तों? यह तीन परतों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो सबसे पहले आपका आएगा पायरामीटर, ड्यूरामीटर और एरेकनॉइड। सर क्या याद रखोगे? तो पायामीटर होता है, पायामीटर, ड्यूरामीटर और एक होता है एरेकनॉइड। एरेकनॉइड ये तीन लेयर होती है, और इन तीन लेयर को मिलाकर आपका बनता है मेनिंजस। और जब किसी वायरस या बैक्टीरियल इंफेक्शन से आपके उस मेनिंजस में आपके सर क्या इन तीनों के लेयर को मिलाकर जो बनता है मेनिंजस, इसमें क्या आ जाए? तो इसमें जब आपका स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो कि एक वायरस के द्वारा जनित रोग है। इसे क्या कहते हैं सर? यह एक रोग है, यह एक डिजीज है, जो कि क्या है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त याद रखोगे यह वायरस के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? तो याद रखोगे तो यह वायरस के द्वारा जनित रोग होता है, इसे मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हैं। सो द आंसर विल बी एक रोग अ डिजीज, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? बताओ सर कि सोडियम को किस में रखकर संचित करते हैं सर? क्या वेयर इज सोडियम स्टोर्ड? बताओ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, चलो देखो निम्नलिखित में से किसको सोडियम में रखकर संचित करते हैं? देखो आप सभी को सर, देखो जो सोडियम होता है ना, इट इज हाईली रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी के टेबल के बारे में बात की जाए दोस्त, तो देखो सर क्या पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये क्या सर? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जब ये रिएक्टिव होते हैं सर, उसमें जब अगर सोडियम आएगा, बिल्कुल नीतू शर्मा जी, इसमें जब सोडियम आएगा सर, तो याद रखोगे कि इसके सोडियम को किस में रखते हैं? तो इसके सोडियम को हमेशा हमेशा मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में, किस में मेरे दोस्त? याद रखोगे देखो सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और जब से उसमें रखकर स्टोर करोगे, तो याद रखोगे कि सर क्या यह एयर से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप इसे एयर से रिएक्ट कराओगे, जैसे आप इसे मिट्टी के तेल से बाहर निकालोगे, ये एयर से रिएक्ट कर जाएगा। और सोडियम क्या है सर? सोडियम आपका अल्कली मेटल होता है। यह क्या? यह ग्रुप 1 का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है मेरे दोस्त? याद रखोगे ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जिसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं अल्कली, अल्कली कहते हैं। और याद रखोगे क्षारीय होता है, जो कि सर क्या एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और साथ ही साथ यह मेटल्स में भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। इस बात को आप याद रखोगे सर क्या, तो सर आपका मिट्टी का तेल हो जाएगा। इस बात को आप सारी याद रखोगे, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या होगा कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है सर? व्हाट इज मोह स्केल यूज टू मेजर? देखो जो मोह मापनी होती है, मोह मापनी किसको मापने का कार्य करेगी? निशा सिंह राजपूत, छावी कुमारी, आर एस ज्वलनशील, रॉयल कज्जल, राजीव सिंह,
बढ़िया। देखो दोस्त क्या कह रहा है जानवी सर, आप राजीव सिंह याद रखोगे कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखोगे देखो जो मोह मापनी होता है, मोह मापनी का उपयोग सर याद रखोगे हमेशा हमेशा हार्डनेस को कठोरता को मापने के लिए होता है। इस बात को आप याद रखोगे, हार्डनेस और जो कठोरता होती है इसको मापने के लिए आप मोह मापनी का प्रयोग करोगे, इस बात को आप सारे याद रखोगे। मोहम्मद फिरदौस, नेहा, अमन, स्टेन, शुभम, नीतू शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप सारे। नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, क्या कह रहा है कि उज्जैन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है, द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। सर देखो हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि सर देखो यह क्या है, यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अपवाद है, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिकॉज सर यह आपका क्या मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी रखता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी रखता है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर लेता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो सर क्या इसकी कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती, इसलिए इसे सर सबसे पहले पर रखते हैं। सर हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे क्या कहते हैं, जिसे आवारा तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसे आवरण तत्व कहते हैं, और इसकी खोज किसने की, कैवेंडिश ने की, और हाइड्रोजन अपने आइसोटोप्स के लिए बहुत फेमस है, जिसमें प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, क्या मेरे दोस्त, तो इसके आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, जिसे प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम कहते हैं, और यही 1H1, 1H2, 1H3 से एक बात निकल के आ गई कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, और जब एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है प्रोटॉन की संख्या को, ये किसको दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या को, और जो एटॉमिक मास होता है ये क्या होता है दोस्त, तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, किसकी संख्या होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और जब प्रोटॉन की वैल्यू 1 आ गई तो न्यूट्रॉन के लिए क्या बचा, न्यूट्रॉन के लिए सर क्या बचा, तो बाबा जी का ठुल्लू बचा, मतलब क्या बचा दोस्त, 0 बचा, सो द आंसर विल बी व्हाट, सो द आंसर विल बी 000, और याद रखोगे कि हाइड्रोजन के परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या इट विल बी 0, इस बात को आप सारे याद रखोगे, गदर ही काटोगे क्या, काटोगे ही क्या दोस्त, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया नीतू शर्मा डोडू, बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया। अदिश राशि कौन सी है, विच इज द स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी ऐसी राशि है जो अदिश है। देखो सर फिर से ये क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि आपको एक ट्रिक तो याद आ ही रही होगी ना मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी दुनिया, आपको एक ट्रिक याद आ रही होगी, और ट्रिक मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी की बताई थी। याद रखोगे कि आपके एग्जाम में जो साइंस है ना, यह 100 नंबर की आने वाली है, 100 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन, 100 नंबर, याद रखना, पढ़ो कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, वादा करता हूं 100 में से 100 दिलाऊंगा, क्योंकि एक ये ऐसा पार्ट है ना जो बच्चे इस पे फोकस नहीं करेंगे और तुम यहां पर आगे निकल जाओगे। एक बात जानते हो कि पूरे बिहार के जितने भी YouTube चैनल्स हैं, जितने भी आपके साथ क्लासेस हैं, वहां साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है और तुम उनसे 100 नंबर आगे हो, तो बस पढ़ते रहो, सीखते रहो और जुड़ो हमारे साथ, है ना। क्या सर, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, देखो ऊर्जा कैसे हुआ सर, तो देखो एक ट्रिक आपको मैंने बताई है सर, एक ट्रिक आप सभी को याद होगी सर, क्या, तो ट्रिक पे खेलेंगे सर, क्या करेंगे सर, खेलेंगे किस पे, तो ट्रिक पे खेलेंगे, और आपको पता है सर क्या, स्केलर क्वांटिटी की एक ट्रिक होती है, स्केलर क्वांटिटी एक ट्रिक होती है, फटाक से ट्रिक लिखो मेरे सामने, तो याद रखोगे कि स्केलर जितनी भी अदिश राशियां हैं उनकी मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई है, और ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो याद रखोगे ट्रिक है आसमा, आसमा का ऊंचा तल दूर है, याद रखोगे कि आसमा का ऊंचा तल दूर है। अगर क्या सर, अगर कोई हमको मेरा खास हुआ करता था कभी, तो उसने सर मुझे बताया था कि तुम ऐसे ऊ नहीं लिख पाते हो, लो लिख के दिखा दिया, है ना, तो याद रखोगे आ से क्या होगा दोस्त, तो दोस्त आ से आवेश होगा, आवेश और आयतन होगा, स से क्या होगा सर, स से समय हो जाएगा, मा से क्या होगा दोस्त, तो मा से मात्रा, का से क्या होगा, का से कार्य, ऊ से ऊर्जा और ऊष्मा, है ना, चा से चाल हो जाएगा, त से तापमान, ल से लंबाई हो जाएगा, द से द्रव्यमान और दूरी, और एक और लिख लेना विद्युत धारा। तो यह क्या है सर, यह सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं और यह इनकी ट्रिक होती है, याद रखोगे, यह क्या होती है सर, यह इनकी ट्रिक होती है कि आसमा का ऊंचा तल दूर है, जिससे सर क्या आप सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी का पता कर सकते हो, और इसके बाहर जो गया वो सारे के सारे वेक्टर हो जाएंगे, याद रखोगे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 7 मूल राशियां, मूल राशियां भी सर याद रखोगे स्केलर ही होती हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बताऊंगा सारा कॉन्सेप्ट मैंने पेड़ में पढ़ा रखा है, आपको भी पढ़ा दूंगा अगर आप सर पेड़ में आते हो हमारे साथ 3.0 प्रो में, कि सर क्या
ड्राई सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है? सर देखो, जो ड्राई सेल में जो एनोड है वो किसका बना होगा? मैंने आपको सारे सेल्स पढ़ाए, सिद्धि 1.2 वालों, ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, आपका क्या सर लेड स्टोरेज सेल, हर एक प्रकार की मैंने आपको बैटरीज पढ़ाई है, तो बताओ सर कौन सी होगी, है ना, क्या होगा? देखो दोस्त क्या होगा, दोस्त याद रखोगे, प्रियंका सोनी बहुत बढ़िया, वेरी गुड एस सर, डोडू नीरज, देखो क्या होगा सर, किस सुस्त सेल में, देखो जो एनोड होता है किसका बना होता है, तो ये बना होता है जिंक का, याद रखोगे सर, क्या देखो यह एक सेल हो गई, या क्या है, देखो क्या ही बन रहा है, क्या ही बन रहा है, देखो ये क्या है सर, तो याद रखोगे यह एक सेल है, और सेल में ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसे कहते हैं क्या, तो इसे कैथोड कहते हैं, मेरे दोस्त याद रखोगे इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कैथोड, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एनोड, देखो जो कैथोड होता है पॉजिटिव पॉइंट, और एनोड होता है नेगेटिव पॉइंट, कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड कॉपर का बना होता है, और जो एनोड है सर, एनोड किसका बना होता है, जिंक का यानी जस्ता का बना होता है, याद रखोगे, और याद रखोगे कि ड्राई सेल को ही प्राइमरी सेल भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्राइमरी भी कहते हैं, और याद रखोगे ये नॉन रिचार्जेबल होती है, इसमें क्या सर, तो याद रखोगे अमोनियम क्लोराइड, मेरे दोस्त याद रखोगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जो कि एक रसायन होता है, और इसी रसायन का प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं, इसी रसायन ऊर्जा को चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा में, तो यही सर आपका क्या है, यही आपका सेल होता है, और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज जिंक, जिंक, जिंक हो जाएगा, कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किस प्रक्रिया को सर क्या व्यक्त करने के लिए करता है, देखो क्रॉम्पटन है वो तो मैक्सवेल का है, और ये क्या है सर, ये क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी से क्वांटा सर क्या था सर, यह याद रखोगे यह प्रकाश के बंडल थे जिनके अंदर चार्जेस मौजूद थे, जो किसने बताया था, जो आइंस्टीन महोदय ने बताया था, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, अब इतना सब कुछ बता दिया, तो आंसर वाला तुम दे ही दोगे, आंसर वाला तो दे ही दोगे, बहुत बढ़िया निहाल एस रहमान सुदर्शन, बहुत बढ़िया रोशन सुदर्शन, बहुत ही बढ़िया, गदर ही काटोगे क्या, और एक बार दबाकर सर क्या सेशन को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और पहली बार आए हो ना सब्सक्राइब तो बनता है, अच्छा लग रहा है क्लास ना, डिटेल आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, सब्सक्राइब मारो मेरे दोस्त, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे कहा जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे क्वांटम थ्योरी यानी आपका क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है, याद रखोगे इस बात को, और ये क्या है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, याद रखोगे, और देखो जो क्वांटम थ्योरी है, जो क्वांटम सिद्धांत है, इसके बारे में एक बात और याद रखोगे, कि यह क्या सर, जो क्वांटम सिद्धांत है, जिसे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता है, तो इसके लिए इसको किसने दिया था, तो इसको आइंस्टीन नाम के साहब ने दिया था, और यह प्रकाश के किस गुण को, तो यह प्रकाश के कण वाले गुण को बताता है, प्रकाश के दो गुण होते हैं, एक तरंग वाला, एक कण वाला, तो कण वाले सिद्धांत को प्रकाश विद्युत प्रभाव बताता है, तो यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि प्रकाश के कण सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन नाम लिख दोगे, और वहीं पर प्रकाश के सर क्या तरंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो हाइगेंस नाम के महोदय थे जिन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज की थी, और प्रकाश का डुअल नेचर किसने खोजा था, तो प्रकाश के डुअल नेचर को डी ब्रोगली नाम के महोदय ने खोजा था, तो द आंसर विल बी सर क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर अन्य ऑप्शंस को देखा जाए तो के तीन ही एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं कि तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना, और सर क्या मोर के पंखों में रंगों का दिखाई देना, कि साबुन के बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना, ध्रुवण याद रखोगे अनुप्रस्थ गुण बताएगा प्रकाश का, और विवर्तन क्या सर 3D होलोग्राम के रंग, CD और DVD के रंग, ये क्या होते हैं, ये विवर्तन होते हैं, एंड द आंसर विल बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखोगे कि स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए क्या करते हैं, टू टेक मोर करंट फ्रॉम द सोर्स, कि देखो सर क्या कि बहुत ज्यादा सोर्स चाहिए सर करंट चाहिए, तो सब पर करंट सेम होना चाहिए, अगर आपको सर वो जो स्रोत है स्रोत से आपको करंट ज्यादा चाहिए, तो याद रखना कभी भी सर करंट डिफरेंट नहीं लोगे, हमेशा करंट सेम लोगे, और करंट सेम आपको कब मिलेगी, सीरीज में या पैरेलल में, श्रेणी क्रम में या समांतर में, आप देखो ना दोस्त कि जब आप अपने घरों में झालर लटकाते हो और अगर उसका एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी की पूरी झालर खराब हो जाती है, क्योंकि उसे सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन अगर आपके घर का पंखा खराब हुआ तो फ्रिज खराब नहीं होता, क्योंकि दोनों के पास सेम करंट आ रही है, याद रखोगे, और पैरेलल में जुड़ा है जिसमें वोल्टेज सेम है, जिस पर क्या वोल्टेज क्या है डिफरेंट है, याद रखोगे, बताओ क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो रेजिस्टर बी कह रहा है कदा, इसे सर क्या इसे समांतर में जोड़ोगे, इसे पैरेलल में जोड़ोगे, कौन था वो घोंचू, देखो सारे बी मार रहे हैं, क्या निकिता बनली 30 मार खान,
हद है यार, मतलब यहाँ चीख चीख के पढ़ाने का यही मतलब है? तुम ये सवाल गलत कर रहे हो, तुम एग्जाम को समझ क्या रखे हो दोस्त? क्या समझो, मतलब क्या दाल भात का कवर है क्या? ले 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 ले, पेपर देने आए हो, पांच कला दें तुमको, तुमको चच्ची वाले छायक बना दें, है ना? हद है यार। मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बताओ, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर? नीरज कह रहा है मैम आई लव यू, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, है ना? कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कथा कहीं का पूरा मूड खराब कर दिया यार। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये क्या सर, या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर कार्य करते हैं, द आईसी चिप्स। और आपको पता है सर क्या, देखो आप याद रखोगे कि सर क्या वक्त इतना ही, सर देखो याद रखोगे कि देखो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो क्या था सर, वो आपके ट्रांजिस्टर पर कार्य करता था। और ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है? टू एम्पलीफाई। और देखो जो ट्रांजिस्टर होता है ये एनपीएन और पीएनपी जंक्शन, ये दो जंक्शन पर कार्य करते हैं, एनपीएन और पीएनपी। और याद रखोगे देखो जो एनपीएन होता है और जो पीएनपी होता है इसमें क्या बनता है, तो इसमें एमिटर बेस कलेक्टर, याद रखो कि सर क्या ये होगा इसमें, सर क्या ये इसमें कलेक्टर होगा, ये इसका बेस होगा और ये इसका एमिटर होगा, और ये पूरा पूरा सर क्या आपका ट्रांजिस्टर बनाने का कार्य करेगा। और यह टू एम्पलीफाई, यह क्या, तो यह एम्पलीफाई करने का कार्य करेगा, इस बात को आप याद रखोगे। सो द आंसर विल बी टू एम्पलीफाई। इस बात को आप सारे याद रखोगे कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, कि विच ब्लड ग्रुप, सर देखो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सभी रक्त को स्वीकार कर सकती, जो आए सुराजी चाहे बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार, है ना? बताओ, याद रखोगे सर क्या कहता है कि इसमें से किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, ए बी ए ओ या बी? याद रखोगे वह किस रक्त समूह के व्यक्ति होंगे, तो व्यक्ति याद रखोगे मेरे दोस्त किस रक्त समूह के होंगे जो सभी से स्वीकार करेंगे, डेट इज ए बी। सर ऐसा क्यों होता है कि ए बी सबसे स्वीकार कर लेता है? क्योंकि देखो जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो मेरे दोस्त, जब भी आप ब्लड डोनेट करोगे तो याद रखोगे सर क्या रिएक्ट करता है सबसे पहले, तो सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखोगे कि एंटीबॉडी क्या रिएक्ट करेगा मेरे भाई, तो मेरे भाई याद कि आपका एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा। और याद रखोगे कि एबी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो इसे कोई सा भी ब्लड चढ़ाओ, कुछ चढ़ा दो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन ओनली एंटीजन, दैट इज ए एंड बी, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, इसके अंदर कोई भी प्रतिपिंड नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और ओ इसीलिए इनोसेंट डोनर है क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रतिपिंड पाए जाते हैं, को आप याद रखोगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, इस बात को आप सारे याद रखोगे कि पदार्थों की वेल्डिंग और कटिंग में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, एथाइन, एथेन, प्रोपेन या एथीन, कि पदार्थों की कटिंग की वेल्डिंग और कटिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं। मतलब कह क्या रहा है मेरे भाई, मतलब आपसे पूछ रहा है कि देखो जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं बताओ? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। बताओ कि गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है, जरा मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, देखो सर गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है, तो मेरे भाई याद रखोगे एथाइन, जो कि होता है C2H2 होता है, जो CaC2 का सर क्या कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के रिएक्शन से कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को मिला दिया जाएगा तो C2H2 बनेगा, जिसे एथाइन या एसिटिलीन कहते हैं, जिसका प्रयोग नेल पॉलिश रिमूवर में और साथ ही साथ आपकी गैस वेल्डिंग में करते हैं,
सो द आंसर विल बी एथाइन एथाइन एथाइन, दैट इज कॉल्ड एसीटाइलीन। इस बात को आप सारे याद रखोगे, ये सब पढ़ाया हुआ है, आप याद रखोगे कि यदि इस बात को चमकदार लाल तप्त कोक पर गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और किसके प्रेजेंस में दोस्तों याद रखोगे, किसके प्रेजेंस में, तो मेरे दोस्त याद रखोगे कि यहां पर एयर की प्रेजेंस में यह प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया को कहते क्या है, एनिलन, टैम्परिंग, प्रगलन या शमन। बताओ क्या ही होगा, क्या ही होगा मेरे दोस्त, तो याद रखोगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखोगे दैट इज एनिलिंग, 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 और याद रखोगे यह प्रक्रिया एनिलिंग कही जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ कि सर क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, द विटामिन दैट इज सोल्युबल इन द वाटर वह कौन सा है, बताओ। टेम्परेचर, गायत्री, निहाल, निशा, बहुत ही बढ़िया, बेहतर से बेहतरीन, बहुत ही शानदार, शानदार मेरे दोस्त। देखो क्या कह रहे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, सर देखो याद रखोगे, सर देखो विटामिन बी और विटामिन सी, सर देखो विटामिन बी सी याद रखोगे यह वाटर सोल्युबल होता है, जबकि विटामिन जो कीड़ा है वह क्या सर, वह फैट सोल्युबल। सर देखो जो कीड़ा है KED या एडेक कुछ भी आप याद कर लो, वह क्या है सर, वह सारे के सारे आपके फैट सोल्युबल होते हैं, और देखो जो बीसी है यह क्या है सर, यह आपका वाटर सोल्युबल होता है, और वहीं पर आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला कि मानो जिस विटामिन को बना दे वह कौन सा विटामिन है, तो आपके डीके सर है ना। देखो जो डीके सर है आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, मतलब डीके मतलब क्या सर, विटामिन डी और विटामिन के, याद रखोगे यह आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला विटामिन है, जबकि देखो जो डी होता है आपके स्किन सनलाइट बना देगी, और जो के नाम का विटामिन है यह आपकी बड़ी आंतों में एसरिचिया कोलाई नामक एक जीवाणु होगा जिस इस कार्य को करेगा। सो द आंसर विल बी व्हाट, सो द आंसर विल बी विटामिन सी। अगर विटामिन सी के बारे में डिटेल बताऊं तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखोगे इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और यह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, यह गर्मियों में बाहर निकल जाता है, शराबी व्यक्ति में नहीं होता, और सर क्या यह हमारे सिर्फ और सिर्फ खट्टे रसदार फलों में पाया जाएगा, याद रखोगे वह कौन सा विटामिन होगा सर, तो वह विटामिन होगा विटामिन सी, याद रखोगे इस बात को, जिसकी कमी से एस्कर्वी नामक रोग होगा, एस्कर्वी नामक रोग होगा। कि हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है सर, देखो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या ही होगा, यह इतना आसान सवाल तो तुम गदर ही काट दोगे ना, गदर ही काटोगे ना, बताओ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त। तो जरा मुझे बताओ कि हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है, तो आप सभी जानते हो देखो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, द कैल्शियम द ट्वेंट द एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट, देखो जो कैल्शियम होता है यह हमारे हड्डियों और दांतों के अंदर पाया जाता है, और हड्डियों में एक विटामिन होता है जिस विटामिन का नाम है सर क्या, कैल्शिफेरॉल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शिफेरॉल, और कैल्शिफेरॉल में देखो जो है यह किसके लिए प्रयोग होता है, यह सर क्या, यह कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम हमारे बोन्स में होता है, तो विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है सर क्या, कैल्शियम। और अगर आपकी हड्डियों में दिक्कत है तो एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है बीएमडी, बीएमडी टेस्ट, द बोन मिनरल डेंसिटी, द बोन मिनरल डेंसिटी, द बोन मिनरल डेंसिटी, यह टेस्ट होता है जो हमारे सर क्या, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उनकी सर क्या, उनके घनत्व के लिए होता है, इस बात को आप याद रखोगे सर। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या ही कहा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। कि देखो जब भी मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूं तो ब्लड प्रेशर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दोस्त, ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट पॉइंट क्या ही कहा जाएगा, क्या ही होगा मेरे भाई, जरा मुझे बताओ। बहुत ही शानदार, शानदार, सुदर्शन, माधुरी, अमृतेश, सिकंदर, वत्स, रेयांश, प्रभाकर, प्रसाद, माधुरी, नूतन, पांडे, सिन्हा, नीतू शर्मा, बढ़िया मेरे दोस्त, बेहतर से बेहतरीन, माही, प्रजापति, बहुत ही गदर ही ढाओगे क्या, गदर ही करोगे क्या, वाह मेरे दोस्त। यह क्या होता है, यह होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर, जिसे कहते हैं सिस्टोल। मेरे दोस्त क्या कहते हैं, याद रखोगे सर क्या, याद रखोगे कि इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं सिस्टोल। और देखो जो सिस्टोल का मान है वह 120 होता है सर, याद रखोगे MGDL, MGDL याद रखोगे वह सर क्या, तो आपका 120, और जो न्यूनतम होता है वो 80 होता है, जिसे डायस्टोल कहेंगे और इसे सिस्टोल कहते हैं। और जब इसके ऊपर का बिंदु जाएगा, जब इसे ये क्रॉस कर जाएगा, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाएगा, उसे अति तनाव कहा जाएगा, वो
अलग सिचुएशन होती है, याद रखोगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार मेरे दोस्त। अरे कहते हैं ना कि जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, कि जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अरे पंखों को खोल ये जमाना तेरी उड़ान देखता है, अरे पंखों को खोल ये जमाना तेरी उड़ान देखता है। और अपनी पहचान बनानी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना ये दुनिया तुम्हें सर क्या हर वक्त हराने को तैयार होगी। तो जीतना है, जीत कर दिखाना है, तो जरा एक बार अपना दम दिखाओ बिहार वालों, और सर को फटाक से शेयर करो। और आ जाओ अगले सवाल में बढ़ते हैं, देखते हैं सर अगला सवाल क्या लेकर आ रहा है। और बड़ा ही आसान सा सवाल कह रहा है, मेरे लाडलों के लिए यह सवाल बिल्कुल ही आसान होगा कि पीओपी का केमिकल नेम क्या है। अरे मेरे लाडलों, इसको इसको तो उठा के पटक दो, है ना, इस सवाल को उठा के पटक दो, देखते हैं कि किसका यह सवाल सही होता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे दोस्त, अल्टीमेट। निकिता मुस्कान, बढ़िया। रमन कुमार डोडू, बढ़िया बढ़िया मेरे दोस्त, यह सवाल बड़ा ही आसान होगा, बहुत ही शानदार शानदार मेरे दोस्त। यह होगा आपका कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4.5H2O। याद रखोगे क्या होगा दोस्त, तो यह CaSO4.5H2O जो आपके शरीर में अगर आपको चोट लगती है तो सर क्या, आपको जो प्लास्टर चढ़ता है वही होता है पीओपी। कि जैसे मान लो कि तुम गए उसके दरवाजे पर गुलाब लेके कि ए पुष्पा गुलाब लेबू का, और उनकी मम्मी निकल कर बाहर आई, ए चाची 2 रुपए में गुलाब खरीदबू का, और ऊपर से उसका भाई देख रहा था, इतने बड़े पत्थर से मारा तुमको और वो पत्थर तुम्हें लगा और तुम्हारी हड्डी गुड्डी टूट गई, और तुम्हें CaSO4.5H2O जो पीओपी होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसे चढ़ाना पड़ा। सर देखो क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह होता है बुझा हुआ चूना, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, और वहीं पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, इस बात को याद रखोगे सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाओ कि लाल रक्त कणिकाएं द ब्लड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाई, मेरे दोस्त देखो क्या कह रहा है कि देखो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या किसके द्वारा ही बनाई जाएंगी, बताओ मेरे दोस्त की रेड ब्लड सेल्स किसके द्वारा बनाई जाएंगी। आलिया खान, पल्लवी, खुशबू, निकिता, अप्पू, माधुरी, बड़ा ही शानदार ही माहौल है, तो दबा के धुआं धुआं कर देंगे। आ जाओ कि सर देखो क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं किसकी बनी होती हैं, सर कहां बनती हैं, बनती हैं सर क्या, बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या है दोस्त, तो जितनी भी आपकी बॉडी की बड़ी हड्डियां होती हैं, देखो भी आपकी बॉडी की सर क्या, तो आपकी बॉडी की देखो जो सर क्या, जो बड़ी हड्डियां होंगी आपकी बॉडी की क्या होंगी सर, तो आपके बॉडी की जितनी भी बड़ी हड्डियां होंगी तो इनके बीच में एक फ्लूड पाया जाएगा, और इस फ्लूड में ही सर क्या आपका रेड बोन मैरो होगा जो आरबीसी का फॉर्म करेगा, जबकि जो आपका सर क्या व्हाइट बोन मैरो होगा ये क्या कर देगा, तो यह WBC और आपके प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर देगा, और व्हाइट बोन मैरो को ही येलो बोन मैरो भी कहते हैं। सो द आंसर विल बी बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो, याद रखोगे। और लिवर का नाम याद रखोगे कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो, जब भी आप सर क्या, तो याद रखोगे सर जब भी आप अपने माँ के गर्भ में होते हो तो वहां पे जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है वो कहां पे होती है, तो वो लिवर में होती है। मतलब जन्म से पहले रक्त का निर्माण कहां होता है, तो लिवर में होता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे। कि सर क्या कह रहा है, एक परमाणु ऑर्बिटल है सर, एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और सर क्या न्यूक्लियस, दो ही चीजें होती है ना, दो ही चीजें होती है ना दोस्त, बताओ। आ जाओ देखो सर, एक परमाणु ऑर्बिटल क्या है सर, देखो ये क्या है, ये नाभिक, नाभिक ये इसके ऑर्बिट है सर, नाभिक हो नाभिक का ऑर्बिट है, और ऑर्बिट वह सर क्या, वह एरिया होता है, ऑर्बिट वह चीज होती है जिसमें सर क्या, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और वह इलेक्ट्रॉन शेयर हो सके, क्या हो सके सर, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो डोनेट हो, वह पॉसिबिलिटी क्षेत्र क्या कहा जाएगा, ऑर्बिटल कहा जाएगा, कक्षक कहा जाएगा, याद रखोगे। और देखो जो ऑर्बिटल होता है इसे सर क्या, इसे एन से दर्शाते हैं और एन स्क्वायर से ऑर्बिटल्स को दर्शाते हैं, तो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है, तो एक 2D डायग्राम होता है, एक 3D डायग्राम होता है। यह सवाल SSC CGL में आया हुआ है कि n स्क्वायर और n में क्या अंतर है, तो n इज ऑर्बिटल, n स्क्वायर इज ऑर्बिटल्स, और यह 2D और 3D डायग्राम का अंतर होता है, CGL में आया हुआ सवाल है।
कि प्रातः काल काफी मात्रा में ओस का कारण क्या है? सर देखो ओस, बताओ सर कि ओस का कारण क्या है, बताओ मेरे दोस्त, कि सुबह सुबह याद रखोगे कि ओस पड़ी है, बताओ क्या रात में आसमान रोया था क्या, कि रात में आसमान रोया था क्या, कि किसी की यादों को तकिए तले रखकर कभी किसी की बातों में खोया था क्या? अरे वाह, शेर ही है क्या दोस्त, कि प्रातः कालीन काफी मात्रा में ओस का कारण क्या है? सर देखो, जब भी साफ आसमान और शांत मौसम, जब भी साफ आसमान और शांत मौसम होगा तो वहां पे ओस का ड्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, याद रखोगे, और वहीं पे तेज सरसराहट वाली हवाएं चलेंगी, तो याद रखोगे वहां पे ड्यू की फॉर्मेशन नहीं होगी, इस बात को आप सारे याद ही रखोगे। सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, जब भी तेज हवाएं होंगी तो वह एवोपरेट हो जाएंगी और वहां पे आपके ओस बनने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी सी, याद रखोगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है। Why does the sun appear when it rises or when it sunk? बताओ सर कि सूर्य का उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देना किस घटना का उदाहरण, बताओ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार शानदार। गदर ही काटोगे क्या मेरे दोस्त? गदर ही काटोगे, बताओ। देखो क्या कह रहा है सर कि सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सर यह क्या, तो याद रखोगे यह स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग। कई बार आपको एक ही चीज बताई है कि यदि किसी प्रश्न में, एक ट्रिक याद रख लो कि यदि किसी प्रश्न में सर क्या किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग की बात की जाए, सर क्या यदि किसी प्रश्न में किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग की बात की जाए तो वह आंसर किसका होता है, तो वह आंसर क्या होगा सर, वह होगा उसके स्कैटरिंग का, डेट इज ऑप्शन नंबर 4, याद रखोगे। और बी ऑप्शन टिक करने वालों, किचन में जाओ, ग्लास में पानी लो, अपने सर क्या अपने चुल्लू में डालो और उसमें नाक डुबा कर मर जाओ, नहीं तो मेरे सामने तो मैं तुम्हें डुबा कर मार देता। एक सवाल 100 बार बताओ लेकिन तुम घोंचू हो तो घोंचू ही रहोगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त, नेक्स्ट की व्हाट को प्रकट कर सकते हैं, व्हाट कैन बी रिवील, या सर व्हाट को कैसे बता सकते हैं, द किलोग्राम मीटर, सर जूल पर सेकंड, एन कैलोरी या वोल्ट। व्हाट क्या है सर, शक्ति का मात्रक है, और शक्ति होती क्या है, कि आप कितना कार्य कितने समय में करते हो, कितना कार्य कितने समय में करते हो, कार्य और समय की इकाई पता है, तो बताओ क्या होगा दोस्त, बताओ बताओ क्या हुआ दोस्त। नहीं शिल्पा, अग्निवीर की क्लासेस नहीं चलेंगी, यहां चलती है सचिवालय सहायक, सर क्या अधिकारी बनाने वाली क्लासेस, याद रखोगे जूल प्रति सेकंड, द जूल इज व्हाट, जूल इज फॉर व्हाट सर, या वर्क की इकाई है, और सेकंड क्या है सर, तो टाइम की इकाई है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो सर क्या, डॉक्टर जो सी ए टी स्कैन जो होता है, जिसे सी टी स्कैन कहते हैं, तो डॉक्टर सी ए टी स्कैन का प्रयोग, सर क्या उस सी ए टी के तात्पर्य क्या होता है, बताओ बताओ मेरे दोस्त, सी ए टी का तात्पर्य क्या ही होता है। बहुत ही शानदार, वेरी गुड शानदार शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया। इतने तेजी से नाम जा रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सिन्हा, माधुरी, गोदू, पल्लवी, प्रीतम, नेहा, भाई धाकड़ है क्या, ये तो धाकड़ करेंगे एग्जाम में, ये तो गदर ही काटेंगे एग्जाम में, कि सर क्या CAT स्कैन क्या होता है। सर देखो, T फॉर टोमोग्राफी, A सर C फॉर कंप्यूटर, लेकिन सर A से एनालिसिस होता है। सर देखो ये करते क्या है, सुनो, ऐसे मान लो कि आपके किसी बॉडी में दिक्कत है, आपके किसी बॉडी पार्ट में दिक्कत है, अब उस पार्ट को क्या करेंगे सर क्या, उसके मल्टीपल इमेजेस बना लेंगे, उसके मल्टीपल इमेजेस उसे सर क्या छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, और जब इस एक टुकड़े का एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि दिक्कत है क्या इसमें, और यही कहा जाता है CAT स्कैन, द कंप्यूटर एनालाइज टोमोग्राफी, याद रखोगे। कि अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है, विच क्या फंगाई इज यूज्ड इन व्हाट सर, अल्कोहल इंडस्ट्री, और कवक के अध्ययन को कहते क्या है, तो सारे के सारे जानते हो कि कवक के अध्ययन को मेरे दोस्त माइकोलॉजी कहा जाता है, इस बात को याद रखोगे। अरे सीना ठोक के कहते हैं, अगर पढ़ते हो ना दोस्त, अगर है तुम्हारे अंदर जज्बा सचिवालय सहायक बनने का, सिलेक्शन दिलाए बिना नहीं मानेंगे, तो कहते हैं ना मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने कलम से अपने सचिवालय सहायक बनने की कहानी, और बोल उस किस्मत से ससुरी है दम तो मिटाकर दिखा, है दम
तो मिटा कर दिखा, है ना सर? कवक के दिन कहते हैं क्या? तो इसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे कहते हैं माइकोलॉजी, याद रखोगे। और उसके साथ साथ कौन सा कवक होता है? सर ईस्ट होता है। पूरी प्रक्रिया बताई ही है आपको कि सर उठा लो C6H12O6 को और क्या कर दो सर, यहां पे रखो जाइमेज एंजाइम और ईस्ट को लगा दो। सर क्या होगा? C2H5OH हो जाएगा जो एथिल अल्कोहल है, और इसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो C2H5OH है इसे एथिल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कहा जाएगा। तो आंसर विल बी ईस्ट, 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 याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है कि पौधे क्या ही उत्सर्जित कर देते हैं, पौधे क्या ही करते हैं मेरे दोस्त, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि प्लांट्स एमिट, कि पौधे क्या ही ऐसा है जो उत्सर्जित या एक्सक्रीट करने का कार्य करते हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, शानदार, शानदार। और देखो ना, जो अच्छा हाँ सके अगर कुछ नया बोली तो एक सुनना, एक सुनना कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया और हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। ये सारे अग्निवीरों को मैं डेडिकेट करता हूँ, ये क्या ये शायरी है जो, ये सारे अग्निवीरों को डेडिकेट है कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया और हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे उसकी दहलीज पर, उसकी कौन, उस ऊपर वाले की, कि हम भी खड़े थे उसकी दहलीज पर, लोग पैसों पर मिट गए, हमने वतन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया। कि पौधे उत्सर्जित करते हैं क्या दोस्त, तो याद रखोगे, देखो जो पौधे होते हैं यह क्या करते हैं सर, तो रात में CO2 उत्सर्जित करते हैं और दिन में ऑक्सीजन। और याद रखोगे जब दिन में यह ऑक्सीजन एमिट करते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद रखोगे मेरे दोस्त इस बात को, सारे के सारे मेरे बच्चे याद रखोगे, बहुत ही शानदार, शानदार, शानदार। कि भोजन बनाने वाली गैस किसका मिश्रण है दोस्त? देखो LPG, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताओ सर, सर क्या द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बताओ। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि भोजन बनाने वाली गैस किसका मिश्रण है सर, यह याद रखोगे कि देखो जब भी सर क्या, जब भी LPG का दाम बढ़ता है तो आपका क्या दोस्त, तो आपका BP बढ़ जाता है, और जब LPG के दाम बढ़ने से BP बढ़ता है तो वह BP क्या है, तो वह BP है द ब्यूटेन एंड द प्रोपेन, द ब्यूटेन एंड द प्रोपेन। और देखो जो आपकी ब्यूटेन है, ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में करते हैं, याद रखोगे, और ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसमें गंध के लिए, स्मेल के लिए एथिल मरकैप्टेन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं सर? एथिल मरकैप्टेन को मिलाते हैं। धुआं ही काटोगे क्या, दम गदर ही बनाओगे क्या? कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़, सर टेढ़ी छड़ या सीधी छड़ टेढ़ी मालूम चलती है, ऐसा क्यों? याद करो क्या उस मोहतरमा को, उस देवी को जिसका नाम था नूरा फतेही, और मैंने उसके लिए आपको एक एग्जांपल बताया था कि सर क्या, कि जब नूरा फतेही सर कैसे डांस करती, बताया था मैंने, आपकी बात नहीं करके दिखाऊंगा। तो सर मैंने बताया था कि देखो जब नान वाला नान लगा रहा था और मैं नान के साइड से उस साइड खड़े नान वाले को देख रहा था, तो वो सर क्या, वो नूरा फतेही, नूरा फतेही की तरह कर रहा था हाय गर्मी, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर वह वस्तु थोड़ी सी हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसे कहते हैं अपवर्तन, सर क्या, रिफ्रैक्शन। जब भी किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति बदली हुई प्रतीत हो, अब मेरे दोस्त फिर से सुनना, कि यदि किसी प्रश्न में किसी वस्तु की स्थिति बदली हुई प्रतीत हो, वह अपवर्तन की घटना होती है। चाहे तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, सर क्या, सूर्य का उगने से पहले डूबने के बाद तक दिखाई देना, पानी भरे ग्लास में सर क्या उसके तली का ऊपर उठा दिखाई देना, यह सारी की सारी घटना किसकी है? तो याद रखोगे यह अपवर्तन की घटना होती है। याद रखोगे वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या ही कहते हैं, क्या ही कहते हैं, जो क्या करता है सर, जो कैटलिस्ट, जो क्या करता है सर, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने देने का कार्य करता है, वह कौन सा होगा मेरे दोस्त, जो इसमें से रिएक्शन को स्पीड अप कर देने का कार्य करेगा? तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है। इस बात को आप याद रखोगे, गदर ही काटोगे क्या? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार मेरे दोस्त,
शानदार 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 कि तापमान इनवेरिएबल रहते हुए बाबू रे क्या कहता है, शुष्क कह दिए गए द्रव्यमान, द्रव्यमान आ गया का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती। बबुआ रे एगो लड़का को याद करो, एगो लड़का था ना, एगो लड़का था जिसका नाम था बॉय, एगो लड़का था जिसको अंग्रेजी में कहा गया बॉय, और बॉय क्या था भैया, तो बॉय बहुत क्या था, तो वीआईपी था ना, क्या था, वीआईपी था ना, वीआईपी था ना, जहां पे प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सर क्या आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या क्या सर बॉय से बॉय लॉ, याद रखोगे मेरे दोस्त कि क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बॉय लॉ हो जाएगा। अब गदर ही काटोगे क्या, लगता तो है कि आज धुआं ही होगा, आज तो गदर ही कट रहा है भाई, मजा आ गया। कहते ना एक ही वर्ड अल्टीमेट मेरे लाडलो, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। कि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया बताओ सर, व्हाट डिड गैलीलियो इन्वेंट, मेरे दोस्त मेरी दुनिया याद रखोगे कि गैलीलियो ने किसकी खोज की। सर देखो जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, ढाई से आंसर कर दोगे बताओ मेरे भाई, गदर ही काट दो। कहते ना कि भाई क्या एक बिहारी सौ पे बारी, तो भाई इस बार तो लग रहा है कि आज तो तुम अपना ताकत दिखा रहे हो, पूरा गदर ताकत दिखा रहे हो। तो आ जाओ जुड़ते हैं, फिर बात करते हैं गैलीलियो ने सर क्या टेलीस्कोप की खोज की थी, गैलीलियो ने सर क्या किया था, थर्मामीटर की भी खोज की थी। याद रखोगे गैलीलियो का इक्वेशन ऑफ मोशन है सर क्या, गति के समीकरण है, याद रखोगे। रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैज डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, और गन पाउडर का तो हमको नहीं पता। बताओ दोस्त क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबरों का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर बताओ सर, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसका करोगे बताओ। कि अभी तुम्हारे बिहार में कुछ बंद था ना दोस्त, कि बड़ा बड़ा सर क्या कि कहते ना कि क्या कहते हैं वो कौन सा है कि करेजवा के भुकनी भुकनी करके दांत चियार के चल दे लू है ना, कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके वो मुस्कुरा के चल दिए। और हम बिहारी बच्चे क्या कहते हैं कि करेजवा के भुकनी भुकनी करके दांत चियार के चल दे लू, तो भाई क्या वो दांत चियार दिए थे हम कि जब हमारा सर नेट बंद हुआ था। क्योंकि देखो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं सर, ये संचार के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होते हैं, और इनमें TIR, इनमें क्या सर, इसमें TIR द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना का प्रयोग होता है। और चार TIR की घटना याद रखोगे, मरीचिका का बनना, नेक्स्ट क्या दोस्त, नेक्स्ट एंडोस्कोपी, नेक्स्ट क्या दोस्त, दोस्त फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर, और एक आपका क्या होगा दोस्त, तो एक आपका सर क्या, तो याद रखोगे हीरे का चमकना, ये चार घटनाएं सर क्या TIR की द मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं हैं, याद रखोगे मेरे दोस्त। गदर ही काट दिया, अरे भाई आज ही तो बिहार वाले बच्चे दिखा रहे हैं कि सर जी हम हैं जोश में, और आज वो फटाक से 250 लाइक पहुंचाते हैं, 350 से ऊपर देख रहे हो ना, इसको 400 ले चलो, मोहब्बत है सर से, तो मोहब्बत है, तो आज वो 400 चलते हैं, रिकॉर्ड ही बनाते हैं आज। कि सर क्या गैस नेतांक आर का विमीय सूत्र क्या है, तो यह सवाल आपको मैं फिर से होमवर्क के तौर पर देता हूं। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम, द किरचॉफ लॉ, सर देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, कि कहता है मेरे दोस्त कि देखो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट बिना लॉस हुए, बिना उसमें कुछ चेंज आए, वो सीधे निकल जाएगी। और ये किस पर कार्य करेगी याद रखोगे, तो ये धारा और आवेश के संरक्षण पर, ऑन कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज, कि धारा और आवेश के संरक्षण पर जो किरचॉफ का नियम है मेरे दोस्त याद रखोगे। और तुम अगर इस शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी कि तुम्हारा 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता, याद रखोगे, बस मेहनत करके दिखाओ, याद रखोगे। बहुत ही बढ़िया, कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, द क्रोड ऑफ अ ट्रांसफार्मर, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, आप सभी जानते हो मेरे दोस्त आप सभी जानते हो, याद रखोगे सर क्या, तो यह क्या होगा दोस्त, यह नरम लोहे का, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है आप सारे के सारे जानते हो कि यह अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग में चेंज करेगा, डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट में चेंज करेगा, मतलब कर क्या रहा है दोस्त, तो दोस्त यह वोल्टेज को स्टेबलाइज, मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को कम करने का और कम वोल्टेज को ज्यादा में चेंज करने का कार्य कौन करता है मेरे दोस्त, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो करता है, याद रखोगे। कि लॉन्ग क्या है दोस्त, कि सर क्या लॉन्ग क्या है बताओ, द लॉन्ग्स आर, नहीं तो लॉन्ग तिमे लाची, बताओ सर लॉन्ग क्या है,
तना की गांठे बंद कलियां, जड़ की गांठे या बीज, सर लौंग क्या है मेरे भाई? हमारे यहां सर क्या जादू मंत्र करने के लिए देखते हो कि अगर लौंग किसी कपड़े में बना हुआ मिल जाए तो मम्मी कहती अरे दूर रह, डाइन कॉइल हुई है ना, डाइन कॉइल हुई है ना। तो ये होता था पहले, अब वो क्या ही था नहीं पता, लेकिन होता था पहले गाँव में। सर क्या ये बंद कलियां हुआ करती है, द क्लोज बर्ड्स होते हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट, कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। मम्मी लोग ये जब बात करती थी तो ये चुड़ैल और डायन का ऐसे बात करती थी, एकदम सस्पेंस बना के धीमी धीमी आवाज में जोर जोर से बात करती, हमें घंटा ना फर्क पड़ता। लेकिन मम्मी क्या करती थी, धीरे धीरे आवाज में बात करती तो हमारा भी इंटरेस्ट बने और हम सुनने जाएं तो हमें मार के भगा दें। मतलब हमारी क्यूरियोसिटी को वहां पे चेक करते थे, टेस्ट करते थे और आपस में बात करते थे। हमें डर भी लगे पर मजा भी आए। हुआ है आपके साथ, हुआ ही होगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? सर थोरियम, याद रखोगे। और यही थोरियम आपके केरल के तट पर, कहां पर दोस्तों? केरल के तट पर इसका ही प्रदूषण फैला था। और थोरियम, एक और बात याद रखोगे कि जब भी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल या न्यूलैंड का जो सर पीरियोडिक टेबल था या ऑक्टेवियन लॉ था, वो क्या हुआ था दोस्त? तो उसमें अंतिम तत्व थोरियम ही था, याद रखोगे। हुआ है सबके साथ ऐसा? हुआ है, हाँ जी, सबके साथ होता है, होता है दोस्त। और हमारे गांव में तो गजब ही था, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार से होता है? हाउ इज कूलिंग इज डन बाई द रेफ्रिजरेटर? बताओ। अगर देखो इंडिया का युद्ध चाइना से होता है, ठीक है, और बिहार की महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो डाइन करके आधा चाइना खत्म कर देंगी, है ना, कि वो डाइन और भूत प्रेत वाली बातें करके आधा चाइना ऐसे खत्म कर देंगी, है ना। ये तो होता ही, हो ही सकता है, एक बार देख ही लिया जाए, है ना, कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रक्रिया कैसे होती है। तो याद रखोगे संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार से। देखो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे कंप्रेसर का प्रयोग होते हैं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? याद रखोगे कि कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। और कंप्रेसर जो करंट होता है सर, उस करंट को सर क्या, तो उस करंट को वो जो आपकी धारा होती है, जो ऊष्मा होती है, उसे लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर की ओर लेके जाएंगे। और ऊपर जाते ही, जैसे मान लो ये आपका फ्रिज है सर, क्या जो गर्म हवाएं होंगी ये ऊपर की ओर जाएंगी, यहां रेफ्रिजरेटर है ये इसको ठंडा करके वापस भेज देगा, जिससे आपका पूरा का पूरा सर क्या फ्रिज कूलिंग करेगा, याद रखोगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, याद रखोगे। कि क्वार्ट्ज किसका बना होता है बताओ दोस्त? कि क्वार्ट्ज किसका ही बना होता है बताओ दोस्त? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार शानदार। गदर ही काटोगे क्या? गदर ही काटोगे क्या दोस्त? आ जाओ फटाफट बताओ। तो आप सारे जानते हो कि क्वार्ट्ज किससे बनता है सर? या सिलिकॉन ऑक्साइड से, या क्या मेरे भाई? तो या सिलिकॉन ऑक्साइड से बना होता है आपका क्या? तो आपका जो क्वार्ट्ज होता है ये सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, याद रखोगे, है ना। धुआं ही काटोगे आज, आज लग रहा है सर क्या धुआं ही काटोगे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ऑक्साइड अयस्कों के धातु के निष्कर्षण की समान विधि है। सर देखो क्या कह रहा है कि ऑक्साइड अयस्कों के धातु के निष्कर्षण की समान विधि क्या ही होती है बताओ? बताओ क्या ही होती है सर क्या? ऑक्साइड एस्को के धातु के निष्कर्षण की समान विधि। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार 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 शानदार। और ये क्या होता है दोस्त? तो यह आपका या सर याद रखोगे कार्बन द्वारा अपचयन। आज जो कुछ बातें हैं सर आप सभी से कुछ बातें करते हैं। और देखो आपके लिए सर क्या, देखो आप सभी के लिए सिद्धि 3.0 प्रो बैच आ चुकी है, सिद्धि 3.0 प्रो बैच आ चुकी है। देर ना करो, आज ही इसमें एनरोलमेंट करोगे, क्योंकि यह बैच बिहार एसएससी सीजल 3 की एक सिलेक्शन किट बैच है। चाहते हो ना साइंस में 100 में 100 स्कोर करना, जुड़ना होगा, मेहनत करना होगा। यह क्या है सर? यह एक प्रकार का सिलेक्शन किट है, जहाँ पे पूरी की पूरी क्लास कहाँ से चलेगी, तो आपकी पूरी की पूरी क्लास डिजिटल बोर्ड से चलेगी। कहाँ चलेगी? तो डिजिटल बोर्ड से, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, इसी पावर के साथ, इसी एनर्जी के साथ। और ये बैच सर देखो, ये बैच सर क्या किस एग्जाम को कवर करेगी? तो बीएसएससी सीजल के एग्जामिनेशन को कवर करेगी बैच। कौन कौन पढ़ाएगा? तो यह आपके सारे धुरंधर लोग यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। अगर बात की जाए सर क्या कि 30 सीट्स हैं इस बैच में, तो 500 सीट्स मिलेंगी आपको इस बैच में। इस बैच की वैलिडिटी सर याद रखोगे कितने मंथ्स की है? तो यह 6 मंथ्स की वैलिडिटी है सर इस बैच की, याद रखोगे। 6 महीने में आपको सर क्या धुआं बना दिया जाएगा। सर कितने घंटे की क्लासेस होंगी? तो 330
30 घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास लाइव कर लो और लाइव को जितना बार देखना चाहो उतनी बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। सर आपको 37 नहीं याद रखोगे 85 मॉक टेस्ट कर दिए गए हैं, तो मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है आपके लिए। नेक्स्ट अगर वहीं पर बात की जाए तो आपके 3 प्रिंटेड बुक हिंदी में और सर क्या और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की 3 प्रिंटेड बुक होंगी जो रीजनिंग सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट और आपके जीके और जीएस सब्जेक्ट की होंगी, याद रखोगे। नेक्स्ट बात की जाए तो आपको यहां पे 99 ए बुक्स पीडीएफ मिलेंगी जिसको आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो कभी भी चाहोगे, और यह पूरी बैच आपको 7000 इसकी कॉस्ट दिखाएगा। लेकिन जैसे आप अपना कूपन कोड Y386 लगाते हो तो इस बैच की कॉस्ट आपको सीधे कम हो जाएगी। और यह बैच आपको कितने रुपए में मिल जाएगा तो याद रखोगे यह बैच आपको 1496 रुपए में मिल जाएगा यदि आप अपना कूपन कोड Y386 अप्लाई करना परचेस करने से पहले 1496 में मिल जाएगा। और जो बच्चा इस बैच को परचेस करना चाहता है वो कैसे कर लेगा दोस्त, तो आप अपने फोन में जाओगे, गूगल पे जाओगे और गूगल में आप फिर यहां पे आओगे है ना, आप यहां पे सर्च करोगे क्या अड्डा 24/7 सर्च करोगे, यहां आ जाओगे। आपको सीधे सर्च करना है क्या सर, सीधे क्या सर्च करना है तो यहां पे आना, आपको सीधे सर्च करना है क्या यहां पर, तो याद रखोगे सिद्धि, आपको क्या यहां पे एंटर करना है सिद्धि सिद्धि। और जैसे आप सिद्धि को एंटर करोगे सर देखो आपका यह खुलकर आ जाएगा इस प्रकार से। और देखो भाई खास बात है, डबल वैलिडिटी है, मतलब आज यह बैच आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रही है, तो 1 साल के लिए सर यह बैच मिल जाएगी 330 घंटे की क्लासेस, 85 टेस्ट, 99 ई बुक्स और 3 बुक्स। और यह आपके सर क्या टीचर्स होंगे जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, तो आप इस बैच को सर क्या जाकर परचेज कर सकते हो। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, बाय नाउ आपको यहाँ पर अपना कूपन कोड एंटर करना होगा, कूपन कोड होगा Y386 और इसे अप्लाई कर दोगे तो यह बैच आपको सर क्या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में पड़ जाएगी 1563। और अड्डा के आप अगर इस बैच को लेते हो तो यह बैच आपको और भी सस्ती पड़ जाएगी 1496 में। तो जो बच्चा इस बैच को लेना चाहता है सर क्या 12 महीने की वैलिडिटी 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी, और आप इसको सर क्या 1496 में कूपन कोड Y386 लगा के ले सकते हो। तो आज ही जाओ इस बैच को परचेस करो और अपने सपने को साकार कर लो। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। Till then, God bless you. Jai Hind, Vande Mataram.